गुड मॉर्निंग फैमिली ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हूँ मैं अपने गांव वाले घर। टाइम हो गया है, अब मुझे निकलना है। पेन किताबें हैं बच्चों के पास? पेन नहीं है? किताबें अभी खत्म हुई है। किताबें भी आज ही खत्म हुई है? रबी खत्म हुई है। अच्छा, जो थे बच्चे। ए बच्चों, लड़ रहे हो तुम? डेली स्कूल लगता है जी? स्कूल मतलब पढ़ने लगता है बच्चों स्कूल जी? ठीक है, शाम सुबह दोनों टाइम? दोनों टाइम लगता है। ठीक, हो गई बच्चों की छुट्टी, सुबह टाइम, बढ़िया। बाय बच्चों, बाय वीर सिंह। कुछ कमी तो नहीं सर जी? बिल्कुल है। हाँ, सब पेन खत्म हो गए, बस यही है, बस बाकी सब बढ़िया चल रहा है। बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं सब? कोई छोटे छोटे बच्चे सीखे हैं कुछ? हाँ हाँ सीखे हैं। काम तो असर पड़ता क्या है? छोटे बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन पढ़ते रहते हैं तो सीख जाते हैं। शिवनंदिनी आरती कृष्णा वो सिरवरिया में है, आरती के ससुराल में, कौशल्या माँ पापा रोड वाले घर में, तो हम रोड वाले घर में चलते हैं। हम रोड वाले घर और माँ जी सुनंदनी से, आरती से, क्रिस से बात कर रही हैं। मैं जा रहा हूँ आज सुनंदनी को और क्रिस को लेने सिरवरिया। हैं? आओ ले आओ। कह रहे हैं? ठीक है, ले आओ। आवा तो क्रिस मामा आ जाए हैं। कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार। मेरा छोटा भाई सुनील आ गया है, मैं सुनील भाई चला गया। आरती को ले आ। है? सुनील भाई जा रहा है शिवनंदिनी क्रिस को लेने सिरवरिया। जो है सुनील भाई चले गए हैं सिरवरिया आरती को लेने, और हम जा रहे हैं राजा भाई के पिकअप में। राजा भाई छोटी महुई से आ गए हैं, कल चले गए थे, अब हम जा रहे हैं चित्रकूट। अमावस है, अमावस को राम जी के जिसको चलना हो, श्री राम जिसको चलना हो हमको मिल सकता है नारायणी अतर्रा में। और जैसे कि ये चलना, अरे अपने गांव से ही सवारी भरवा रहे हैं अभी राजा भाई को। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस चीज के लिए टेंशन ले रहे हो? ठीक है भाई, हम 15 आदमी तुम्हारे गांव से कितने हैं? हमारे गांव से 2-4 आदमी हैं। चलो और दो चार आदमी अपने गांव से ढूंढते हैं और बताते हैं। घर सवारी खोजने से पहले हम क्या करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाना खाएंगे, बढ़िया है। और राजा भाई के कामयाब में, सक्सेसफुल में बहुत सारा बड़ा हाथ है उनकी बुआ जी का। बुआ जी का, उनकी बुआ जी का बहुत सारा है, पिकअप जो है लिया है, तो माँ जी ने बहुत सारा मदद किया है, बहुत किया। और मंगल भाई ने भी किया है। मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं तो चित्रकूट जा रहे हो तो भगवान से भी जा कर कहना। हाँ, और चित्रकूट जा रहे हैं तो वहाँ पे चित्रकूट में बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। 14 बरस जो वनवास गए थे श्री रामचंद्र जी, वो 14 बरस चित्रकूट जगह ही है, है ना? हाँ। बंद कर फोन, सारी मनोकामना सब पूर करते। जब वीडियो बन रहा हो तो फोन चालू नहीं करना। किसी का फोन आ गया तो क्या करें? चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी 14 बरस, 12 बरस, 2 बरस रावण से युद्ध हुआ, पर 12 बरस राम वहाँ पे रहे, बाली से लड़े वड़े जो है वो सब चित्रकूट में ही हुआ है। तो हम उस जगह पे जा रहे हैं अपने गाँव के लोगों को लेके राजा भाई की गाड़ी के साथ। ठीक है भाई? ठीक है माँ जी, ठीक है, आशीर्वाद दे दीजिए उन लोगों को। खुश रहो सारी फैमिली हमारी, सब कोई जा चित्रकूट जिसको टाइम है तो वो आए। हाँ, गंगा स्नान करा। और जिसको नरियल वरियल प्रसाद वरसाद चढ़ाना हो तो 20 रुपए का एक नरियल मिलता है, वो फोन पे में डाल देगा। हाँ, तो हम वो वीडियो में दिखा देंगे कि तुम्हारे नाम का नरियल अर्जी लगा दिया। नरियल लेना हो क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहीं जाते, नरियल बेचते मिलेगा वहाँ पर। नरियल ये है, नहा के खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद राजा भाई के साथ हम जा रहे हैं गाँव साइड, वहाँ पे देखते हैं कुछ सवारी मिल जाए अगर चित्रकूट के लिए, तो आज शाम तक हम चित्रकूट के लिए निकलते हैं। चलो भाई की गाड़ी, उस गाड़ी में जाना है, गाँव हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वो पहाड़ की साइड से भी जा सकते हो, पहाड़ के उठ साइड से भी जा सकते हो। गांव का नाम है ग्राम पंचायत पांडेपुर। रात का माहौल है, सवारी मिल गई है गांव की, और धीरू भाई यहां पर सामान पैक कर रहे हैं। क्रिस आ गया है, सुनंदनी भी आ गई है। आ गई सुनंदनी? हम चित्रकूट जा रहे हैं। हाँ, माँ जी खाना पैक कर रही है, और गांव के लोग, राजा भाई, बबलू भाई, भाई। चित्रकूट चल रहे हो? जय श्री राम, जय श्री राम। और भाई, जय श्री राम भाई।
ये देखो कुछ सवारी यहाँ है और ये मुखिया जी भी जा रहे हैं, दादा भाई भी जा रहे हैं, वहाँ पे कम में भी 10-15 लोग होंगे है ना। देखो देव बैग ले भाई, समझ पकड़ जा। भैया समोसा लेता है, चित्रकूट आ जा रहे हैं, समोसा लेके आएंगे, समोसा लेता है। देख कैसा मुंह बना रहा है, कह रहा है मारू, लेता है समोसा ले आई तू। हां ये देखो इतने सारे लोग, ए विवेक चित्रकूट जा रहे हो भाई? हां भाई साहब जा रहे हैं चित्रकूट। ओम बिहारी तुम भी जा रहे हो? हां। अरे यार पीछे बहुत सारे लोग आ भरे पड़े हैं, ये देखो चाचा भी लेके वो भाग गया है। संतोष भाई भी बैठे हैं भैया, वीडियो डाल दिया एक छना करे अपना पेड़ सही कर। हां हां पेड़ वाला भी डाल दिया होगा यार, और दिन में बनाएंगे ना वहां। हां ये क्रिस क्यों रो रहा है? क्रिस यार अभी आया है और हम जा रहे हैं चित्रकूट, सो रो रहा है। अच्छा इसीलिए उसको भी लो। मुखिया जी हां आगे ही बैठे हैं आप? और भाई आगे बैठे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं। चित्रकूट जा रहे हैं ठीक है मुखिया जी। और नारियल वारियल चल पर वृक्ष में बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? आज नहीं बिके, आज नहीं बिके। बहुत खराब पेड़ लगा लिया है यार, नहाया है ना अभी। चल रहे हैं बढ़िया चित्रकूट धाम मुखिया जी के साथ, धीरू भाई गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये कोठन है अरे वाले कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं ना। जय श्री राम, पहुंच गए हैं गिरमा के आगे। गाड़ी खराब हो चुकी है, अतर्रा पहुंचने के पहले हमने पेट्रोल पंप में तेल डलवाया है। तेल डलवाने के बाद धीरू भाई गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया है पर वो स्टार्ट नहीं हो रही है, मीटर अचानक बंद हो गया है, चालू नहीं हो पा रही है। राजा भाई ये बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है भाई, अभी नई गाड़ी है और चालू नहीं हो रही है, मालूम नहीं क्या हो गया। सही बात है। धीरू भाई थे ड्राइवर, पूरी सवारी 15-16 सवारी से पैसे बैटरी लो हो गई है, बैटरी लो हो गई तो तुम बैटरी में चार्जर फांसते हो, कहीं बवंडर फांसते हो, देखो ये क्या मैं हर बार निकाल देता हूँ चार्जर, तुम क्यों चार्जर फांसते हो? और मैं बफर रखे हो इतना बड़ा, अरे ऐसे ना हो यार चार्जर। हाँ बैटरी डाउन हो गई है, सही है वो कह रहा है, किसी और की बैटरी से निकलवा के करंट वरंट मरवाओ तो चालू हो जाएगी। अब कैसे जाओगे चित्रकूट? मोबाइल से पता करो कि चलते चलते गाड़ी बंद हो जाती है तो क्या करना पड़ता है। हाँ। अभी दिखा रहा है बोलो, पेट्रोल पंप में ही गद्दे वद्दे बिछा के सब लोग पर गए हैं, गाड़ी वो खड़ी है हमारी, गाड़ी खराब हो गई है। बबलू भाई क्या बहुत है, मुखिया जी यहीं पेट्रोल पंप में ही कपड़े उतार रहे हैं। अब करना सही सही बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई मुखिया जी? ये गाड़ी चलते चलते बंद हो गई अचानक। हाँ जैसे कभी कभी जिंदगी अचानक चली जाती है, पता नहीं चलता है, ऐसी इसकी चली गई, इसकी चली गई। खराब हो गया, मैं खा रहे हैं कैथा। कैथा ये हमारे यहाँ का फाला है, नमक से खाया जाता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। हाँ पक जाता है तो मीठा होता है जी। हाँ ये कैथा खाने से पेट साफ होता है? हाँ। अच्छा जैसे पेट में करकराहट है या जलन है, बारन है, भूख नहीं लगती है, ऐसे कई चीजों को ये कैथा ठीक करता है। करता है जी। अभी गाड़ी ठीक हो जाए तो भगवान बहुत पसंद हो जाए। गाड़ी कैसा खाती होती तो वो भी ठीक हो जाती। अरे मुखिया जी रामा की तरह हंस रहे हैं, देखो जा रहे हैं चित्रकूट। गाड़ी कैसा खाती तो वो भी ठीक हो जाती। रात का टाइम है, गाड़ी जो है धक्का मार के स्टार्ट किया जा रहा है, देख सकते हो धीरू भाई और ये सब लोग आगे से वाहन आ रहे हैं और मैं ऊपर बैठा हूँ गाड़ी में, ये देखो धक्का मार के स्टार्ट कर रहे हैं भाई। स्टार्ट मारते रहो। संजू भाई जो है लस्त पस्त, बबलू भाई लस्त पस्त होने जा रहे हैं पूरे के पूरे गाड़ी चलाकर। मुझे मजा आ रहा है ऊपर हूँ, बढ़िया आनंद। अरे ब्लॉग क्या फेमस कर देना, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है।
पर वहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, वहाँ उससे ठंडक है। दोस्त हमारे मिल गए हैं अपनी गाड़ी में ज्वाइंट करके स्टार्ट करवाने वाले हैं बैटरी के वकाउटा जवाब हुई। चलो ज्वाइंट करो धीरू भाई, ज्वाइंट करो, तार तार निकालो बैटरी के, बैटरी के तार निकालो, बैटरी के तार निकालो, गाड़ी स्टार्ट हुई। हाँ जाओ स्टार्ट करवा देंगे उस पिकअप में ज्वाइंट करके, और गाड़ी इस गाड़ी को खिंचवाया जा रहा है पूरी तरह से, रस्सी से कस दिया गया है और यही रस्सी जाएगी इस पिकअप में। हैंड ब्रेक खोल ले और ताना था गाड़ी ले भाई, अब गाड़ी ज्वाइंटिंग करके स्टार्ट होने जा रही है, तेजी से तानेगा वो, पर मुझे पता नहीं है कि वो कितनी। अरे ओम बिहारी तू पीछे बैठा है ये। भी हमारे यहीं रास्ते में घूम रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई यार वो गाड़ी खराब हो गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इस सोफा सेट में हमने गुजारी है, ये मुखिया जी सो रहे हैं। मुखिया जी भाई यहाँ सो रहे हो? और यहाँ भाई सो रहे हैं। चित्रकूट जा रहे थे नहीं जा पाए? जा रहे हैं भाई। अब वो गाड़ी खराब हो गई, बनी नहीं बनी? अब गाड़ी वो आएगा सुधारने वाला। पूरे लोग पेट्रोल पंप में रात भर सोते रहे, 12 बजे रात को हमारी गाड़ी खराब हुई थी, अभी तक नहीं बन पाई है। अतर्रा से 3 किलोमीटर पीछे हैं हम लोग, 5 किलो पीछे हैं अतर्रा से इस पेट्रोल पंप में। राजा भाई सब ये पड़े होंगे, देखो कब लेके जाओ पिकअप का एक। हम जा रहे हैं ऑटो में जा रहे हो यार? ऑटो में बनवा ले गाड़ी का, तो अतर्रा में हम मिलबे ना, वो पक्का मिलोगे? ये दो लोग जो है निकल रहे हैं, ऐसे तो सवारी फूट जाएंगी हमारी। देखो ये चट्टी पहले ए वो ड्राइवर को चाय पानी दे दे, ये रुको भाई तो ड्राइवर बहुत खतरनाक गाड़ी दे रहे हैं संजीव भाई। मुखिया जी चलो चलते हैं, राम पहले थे उसके सामने इसकी दुकान है। अच्छा तो चलो फिर गाड़ी में बुकिंग, वो ये बैटरी रिक्शा में नहीं चलेगा, ऑटो में चलेगा। हाँ तो चलो अरे वो भाई जो रात में खींच रहा था उसकी गाड़ी खाई, उसी को बोलते हैं तो उसको 100-200 रुपए देते हैं, चलते हैं क्या करेंगे। चल तो मुखिया जी खड़े हो जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरी है। चलो रात को जिस व्यक्ति से जो है गाड़ी खिंचवा रहे थे, देखो झांसी यहाँ से 240 किलोमीटर दूर है, महोबा 78 किलोमीटर दूर है। सवारी कहाँ कहे? अरे कही दे तुरंत तो बना जाना है यार, गाड़ी तनवा रहे थे यार भाई, हमें अतर्रा तक छोड़ दोगे? हम ना जा पाएंगे, गाड़ी खाली होती तो मैं छोड़ देता, तो भाई चार्ज कितने में बता दे कोई फर्क नहीं। फिर जो है ज्वाइंटिंग करवाने के लिए बोल रहे हैं कि ये ऑटो वाला ले जाएगा। जा रहे हो 250 रुपया वहाँ? कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर का 250 रुपया, तो कोई बात नहीं दे दो 250 रुपया यार। जल्दी आओ, बीरू भी यहीं पे घूम रहा है, पूरे के पूरे सब लोग इसी पेट्रोल पंप में जिंदगी गुजारी है आज की रात। हाँ ज्वाइंट करो मुर्खा भाई गाड़ी। ए संजू तुरंत बैठ गया तू? अरे ड्राइवर सो के जगह है वो, बत ड्राइव कहाँ गया संजू? ड्राइवर चाय मांग रहा है ले भाई। ये तो यार बड़ी प्रॉब्लम फंस गए, बड़ी प्रॉब्लम फंस गए। बताओ वो ड्राइवर चाय मांग रहा है, तो आगे पर भाई क्या चाय पे भाई कह रहा है कि मैं ऐसा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो चाय। अच्छा कह रहा एक काम करके तेरे बता दे वो छोटुआ अटुआ सब यहीं पे रात भर सोते रहे हैं। अरे आराम से भाई, मुखिया जी कह रहे हैं स्टीयरिंग साथ लोगे? अब वो गाड़ी के पीछे लाग ढंगाना है, बबलू भाई जो है रस्सी ज्वाइंटिंग करवाएंगे। आदमी सब यहीं पे रुके
वहाँ क्या करेंगे? सब लोग यहीं पर जाओ। हाँ तुम धीरू भाई चले जाओ और वो संजू बैठ जाए। संजू स्टार्ट करवा दे गाड़ी। आप भाई भी जा रहे हैं खतरनाक गाड़ी बनवाने। अरे यार वो टेम्पू स्टार्ट ही तो हम मेरी इंसानी छंद कर रहा हूँ। चलो बनवा के लाना जल्दी गाड़ी। धीर संजू भाई कहाँ गए? हाँ वो हमारा टेम्पू में बैठ गया। कहते चड्डी पहन ले या तर्रा मना नंगा घूमत रहे। हमारी पूरी टीम यहाँ पर ये रहे पूरे लोग। चलो पैदल चलते हैं। हाँ गई है वो देखो ज्वाइंट होके जा रही है तर्रा बनने और हम भी पैदल जा रहे हैं।